गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबके लिए ना एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज क्या है, रुको रुको बताती हूँ मैं आप सबको। बता दो सरप्राइज क्या है। 1, 2, 3। तो आज हमारे घर का भूमि पूजन जो है ना, मैं खुद बना रही हूँ अपने पैसों से। खुद मतलब मैं और मेरी मम्मी, है ना मम्मी? हाँ। क्योंकि हम दोनों कब से बोल रही थी कि ये वाला घर हमको छोटा पड़ रहा है। तो हम हमारा घर बनाएंगे जिसमें ना सब कुछ हमारे पसंद का होगा, नहीं मम्मी? हाँ। किचन से लेके बेडरूम से लेके सब कुछ, इंटीरियर फर्नीचर सब कुछ हमारे पसंद का होगा। ऑफ कोर्स पापा घर बनाएंगे, लेकिन है ना पसंद सब कुछ हमारी होगी, है ना? पापा बस सीमेंट रेती इसका उसका काम करेंगे और पसंद हमारी होंगी। ये घर पापा ने बांधा था। हाँ। तो पापा की मर्जी से सब कुछ हुआ है यहाँ पे, मेरा कुछ भी नहीं सुना गया। किचन भी पापा की मर्जी से जैसे देना वैसे ही किया गया, इसीलिए अभी हम लोग नया घर बनाएंगे। कांग्रेचुलेशन करो सब मुझे। कांग्रेचुलेशन मम्मी। और मैं, हाँ, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं 16 साल की उम्र में काव्या अपना घर बना रही है, वो भी इतना बड़ा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। और उसमें क्या क्या होगा वो तो बता। हाँ मैं बताती हूँ एक एक करके आप सबको। देखो उसमें एकदम डिज्नी प्रिंसेस टाइप पिंक कलर का बेडरूम होगा जो सिर्फ मेरे लिए होगा और मम्मी के लिए होगा। और उसमें एक ब्लू कलर का भी बेडरूम होगा जो कृष्णा चिकू और पापा के लिए होगा, ठीक है? और एक मास्टर बेडरूम होगा। ऐसे 3 बेडरूम तो डिसाइड हो गए, अभी और मैं प्लान बताती रहूंगी आपको कि क्या क्या रहेगा, ठीक है? और मेन बात तो ये कि मेरे नए वाले घर में है ना स्टूडियो रहेगा और जिम भी रहेगा। जिम इसलिए ताकि है ना मुझे जिम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। देखो हमारी मम्मी तो रेडी हो गई है भूमि पूजन के लिए, मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो मैं फटाक से जाके रेडी होके आती हूँ। पापा तो बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, बट मेरे मम्मी ने अपने लाइफ के 19-20 साल पत्थरों के घर में गुजारे हैं, और मेरे सक्सेस के पीछे मेरी मम्मी की भी मेहनत है, और दुनिया की सारी बड़ी लग्जरी पे मेरी मम्मी का भी हक बनता है। अभी है ना हमारे घर में ना सांप निकलने वाला है, सांप, तो वो अभी है ना हमारा ही कोई तो भी है ना ऐसे करीबी वाला सांप है वो क्योंकि सब करीबी लोग सांप बने बैठे वाले। कामन कर मौशी। एक सेकंड, ये देखो ये रहे हमारी मौशी, ये ना हमारे घर का पूरा काम संभालती है। ये बता रही कि इधर कहीं सांप निकला है। कुटे है काकू सांप? कितना बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप बोल रहे हैं यहाँ पे है। किस साइड है फर्शी? वहाँ पे बहुत बड़ा सांप निकले वाला है। अभी इधर थोड़ी देर में मेला लगने वाला है, 5-5 रुपए टिकट लगाओ सांप को देखने के लिए। अभी ये लेडीज लोग इतने जम के बात करेंगे तो सांप थोड़ी बाहर निकलेगा। अभी वो जी तेरा क्या बोलना है ऐसी सिचुएशन पे, बताना जरा हमको, एक्सप्लेन कर इधर। पापा का ये ना कोई तो भी वो जान पहचान में दिख रहा वो सांप। ये सांप पकड़ने वाले भैया है। ए भैया आप सांप पकड़ते हो? आ गए वो सांप पकड़ने वाले अंकल। गोनी में आज गरी वो गोनी जो दिख रही है ना वहाँ पे, उसमें अजगर है पीछे। वो है ना फर्सी के पीछे बहुत बड़ा सांप है, देखो सब लोग आ गए देखने के लिए। इतना भी क्या एक्साइट होने का वो सांप के लिए? अभी वो सांप पकड़ने वाले चीचे आएंगे और शाइनिंग मारेंगे सांप को पकड़ के। देखो अभी देखो देखो ये ले।
विषारी है का? ये देखो ना कितना बड़ा सांप है वो। ओ काका, थोड़ा थोड़ा दो मिनट, छोड़ो उसको दो मिनट। क्या देख रहे इधर, सांप देखने आए तुम लोग? वो जो बड़ी वाली गोनी है ना, उसमें अजगर है बोल रहे, बड़ा वाला। देखो वो सांप को डाल दिया, अभी वो लेके जा रहे हैं सांप को। बाय। अभी सब लोग है ना उधर सांप को देखने में बिजी है ना, तो मैं इधर है ना सुमड़ी में ना घर छोड़ के सीधे निकल जाता। मेरे को जाने का है घर छोड़ के, अभी सीधे डायरेक्ट। मेरे पास है ना किसी का ध्यान नहीं है, सब सांप को देख रहे, तो मैं सीधे सुमड़ी में निकल लेता अभी। और मैं जा रहा सांप के गाँव को, तो सांप के गाँव में जाके हम जहर जहर खेलेंगे, एक दूसरे के ऊपर जहर उगलेंगे। सांप के साथ खेलेंगे जहर जहर। लेकिन अभी ना को बाद में जाऊंगा, मैं अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। सो गाइस, मैं ना रेडी हो गई, और देखो हमारी मिया कितनी मस्ती कर रही है, बहुत मस्ती में आई हो। क्यों रे बाप रे, वार्डरोब में घुस गई और मेरे ना दुपट्टे के साथ खेल रही हो। मिया ये देख, भूमि पूजन कर रहे हैं आशा भाई तुम्हारी तो। यस पापा, और मेरा नया घर है ना पूरा मेरी पसंद से बनेगा, ठीक है? आपने सुन लिया ना अभी मैंने क्या कहा? मैं तो उधर आऊंगा भी नहीं, ये मेरा और कृष्णा का घर, ये तुम उधर रहना। देखते हैं ना नया घर बनने का, अच्छा बनेगा पापा, तुरंत आ जाएंगे। हां भाग भाग के आया करेंगे पापा उधर ही। हमारा जी भी इधर मेरे पास में रहेगा, तुम सिर्फ दोनों लोग उधर रहना। देखते हैं अभी क्या होता है। चलो अभी भूमि पूजन करने के लिए चलो ना, अभी अभी भूमि पूजन के लिए तो चलना पड़ेगा। चलना ना, उसके लिए तो तैयार हुआ ना मैं। चल। वैसे पापा ये घर भी है ना बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच ये घर हमें देने के लिए। लेकिन सुनो मेरी बात, हमें इससे भी लग्जरियस और अच्छा घर बनाने वाले है। अब करो भाई तुम अच्छा खासा तरक्की करो, ये घर बनाने के लिए मेरे को कहा कितना सालों लग गए इसको, और तुम मस्त अच्छी तरक्की करके बनाओ घर बढ़िया। अच्छा ये घर भी मुझे बहुत पसंद है, इसमें भी है ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू, लाओ आशीर्वाद दो मेरे को बड़ा सा, और तरक्की करूँ मैं। आशीर्वाद लेने गई, पैर अटक गया मेरा इसमें। पापा चलो ना नीचे आ गए ना पंडित जी। हाँ ना, तो मैं क्या बोल रहा था कि आज का भूमि पूजन है ना तू और कृष्णा का। मैं और कृष्णा? हाँ। क्यों? अरे देखो ये बहुत प्राउड की बात रहती कि एक 16-17 साल की एज में तू है ना अपने लिए कुछ बनाने जा रही, तो उसका भूमि पूजन तू नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन करने के लिए लोगों के ना जिंदगी बीत जाती, समझे? समझ गए। 50 साल लग जाते उनको, तब जाके किसी का भूमि पूजन होता, किसी का कुछ बनता। ठीक है, मैंने जो बनाना था ये तो मैं बना दिया, लेकिन अब तू और तेरी मम्मी अपने लिए कुछ बनाने जा रहे। तेरी मम्मी ने ना बहुत गरीबी देखी आ ली, मैंने नहीं देखी गरीबी, लेकिन तेरे माँ ने बहुत गरीबी देखी आ ली है, तो बहुत अच्छा बनाओ तुम, और उसको भूमि पूजन तू करेंगी बढ़िया से, एकदम ड्रीम तुमको जो जैसे चाहिए वैसे बनाओ। ये तो फर्स्ट है, ऐसे तो बहुत आएंगे। हाँ। लेकिन तेरी मम्मी को बना के दे, उसने बहुत गरीबी देखी, पत्थर के घर में रहे वाली है, मालूम क्या पत्थर के घर में रहे वाली, टीन के घर में रहे वाली है वो। सांप भी निकलते थे वो घर में, बिच्छू भी निकलते थे तुम्हारे गांव के घर में। उसको बहुत ड्रीम
वाला उसको घर बना। मम्मी को बहुत लग्जरियस घर देना है मुझे, पता है पापा उसका हक है, उसका हक है एकदम ये लग्जरी पे। उसने पत्थर का घर देखा, उस लग्जरी में उसका हक है। इतने पैसे वाले होने के बाद में भी है ना पप्पा ने गरीब लड़की से शादी की, तो मेरे को भी ऐसी कर देगा। चलो जी चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो। तुला कोणी नव्हतं सांगितलं बरं का काढायला, आम्ही रोज करत होता। ये देखो ये है पप्पा का घर और इधर के साइड बनेगा मेरा घर। लेकिन भूमि पूजन है ना, मेरे को करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना, करो ना, क्योंकि जगह मेरी है। ऐसे पंडित जी बोल रहे, जिसकी जगह रहती वो भूमि पूजन करता। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, पक्का भूमि पूजन करेंगे हमारे। मेरे जगह पे तुम घर बना रहे, क्या बात है। चिकू देखो यहाँ मिट्टी खा रहे। ए, क्या कर रहा तू, मिट्टी में खेल रहा तू? वैसे मिट्टी में ना बच्चों ने खेलना चाहिए, हम सब ने खेला है और कृष्णा ने भी खेला है मिट्टी में, है ना। ये तो अभी भी खेलता है। घर बनाने का है तो खुद की जमीन खरीद के बनाऊंगा मैं एक दिन, पापा की जमीन पे नहीं बनाऊंगा मैं घर। अभी नया टी शर्ट खरीदा था उससे, अभी खराब कर दिया उससे, है ना। वो रोड पे जा रहा लेके आ उसको। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्राउड फीलिंग हो रही है। पापा ये आप पहनाओ मम्मी को। गंगा मातृभ्यो नमः। गंगा तद्वले राजा दानेन्द्र महावन तेन तव प्रतिनामि प्रतिवंदे। माचल माचल टीका लगा, इधर आ जा, इधर टीका लगा लो, भगवान तुम्हारा ठीक अच्छा लग गया। तो पापा के शुभ हाथों से है ना भूमि पूजन हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है पापा, गड्ढे करना है ना। हाँ अभी पहला गड्ढा मैं करूँगा, उसके बाद में ठीक है काम शुरू। यस ओम मंगलम भगवान विष्णु महादेव। काम एकदम फास्ट रहता है, अभी के अभी काम स्टार्ट होंगे, अभी आज ही आज का अभी। अरे बाप रे क्या बात है, अभी ये गड्ढा उड्ढा खोद डालेंगे सब और कल से एकदम शुरू काम। वाह जल्दी चाहिए ना तेरे को नया घर। यस मुझे जल्दी नया घर चाहिए। खाना वाना खा लिया और मम्मी ने मुझे दिया इतना बड़ा सरप्राइज, ये देखो कितने सारे पार्सल आए मेरे, तो इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे और आप सबको तो पता ही है कि मुझे पार्सल अनबॉक्स करने में कितना मजा आता है। तो ये पार्सल है ना मम्मी ने पहले ही खोल दिया, इसी को देखते हैं इसमें क्या है। वाह इसमें तो कितना अच्छा ड्रेस है, ये देखो पर्पल कलर में, और आप सबको तो पता ही है कि पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। ये देखो ये वाला ड्रेस एकदम परफेक्ट आया ना गाइस, देखो कैसे लग रहा है ये। आई फैन विद यू। अब कौन सा वाला पार्सल अनबॉक्स करूं, ये छोटा वाला करते हैं सबसे पहले, क्या हो सकता है यार इसमें। ओह ये क्या है, ये देखो अभी मैं आइसिंग करती हूँ ना इसीलिए मम्मी ने ये मंगाया है। इसमें ना पानी डाल के ना फ्रिज में रखना होता है, आइस बन जाता है, मस्त है ये। और ये भी पर्पल कलर में मेरा फेवरेट। आप कौन सा वाला पार्सल अनबॉक्स करूँ, ये वाला करते हैं। ये देखो इसमें क्या है, तो इस बार है ना पार्सल मंगाते हुए, वाह मैं मम्मी के साथ नहीं थी तो ये सब पार्सल मम्मी ने मंगाया है। ये
बहुत अच्छा है। सच्ची? ये नन तो नहीं लग रही ना मैं? ऐसे नन। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ए अच्छी लग रही हूँ मैं। रुको मैं दूसरा वाला ड्रेस पहन के आई। एक मिनट, ये वाला पार्सल अनबॉक्स करते हैं। भाई को तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं पार्सल में। ये चोर वाले कपड़े। चोर वाले ऐसे कौन कपड़े पहनता बच्चे? चोर के लिए ऐसे कपड़े पहनते? हाँ यार ऐसे ही कपड़े पहनते हो। ये देखो ये भी एक ड्रेस है। वाओ भी है तो न्यू घर बनने में देर नहीं लगेगी। आप बस देखते जाओ। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो करवा चौथ शॉपिंग वीडियो चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।